हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आप बात करेंगे जो T20 वर्ल्ड कप का आज के दिन का पहला मैच होगा जो खेला जाएगा जिम्बाब्वे वर्सेस नीदरलैंड्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे अपन मैच के बारे में, तो ये जो मैच है 9:30 बजे स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा एडिलेड ओवल एडिलेड में। और पिच रिपोर्ट की बात करो तो ये एक बैलेंस सरफेस होता है जो कि बैटर्स को तो हेल्प करता ही है लेकिन यहाँ पर बॉलर्स को भी मदद मिलती है। एवरेज स्कोर 150 से 170 बन सकता है। चार मैचेस इन दोनों टीमों के बीच में हुए हैं। जिम्बाब्वे ने 3 जीते हैं, नीदरलैंड ने सिर्फ 1 जीता है, तो हेड टू हेड में जिम्बाब्वे का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी है। पहले बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे की टीम की। जिम्बाब्वे की टीम ने 5-6 मैच खेले हैं टोटल, तो लेकिन 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और एक मैच इनका बारिश की वजह से नो रिजल्ट रहा है। इनकी तरफ से ओपन करेंगे वेस्ली मदरवे मदिवीरे और क्रेग इरविन। वेस्ली मदिवीरे की बात करूं तो देखो 6 मैचेस खेले हैं, ओवर सिर्फ 3 डाले हैं, विकेट कोई नहीं है इसके नाम। बल्ले से 22, 27, 0, 35 नोट आउट, 17 और 4 है, तो अच्छा कर सकता है। आते ही शॉट्स लगाता है। हेड टू हेड में एक मैच में 9 रन 2 विकेट है। क्रेग इरविन की बात करूँ तो पहले में 9, फिर 58 की एक बढ़िया पारी, लेकिन उसके बाद में 2, 19, 8, मतलब सिर्फ एक मैच में अच्छा किया है इन्होंने। हेड टू हेड में 3 मैच में 98 रन 32 का एवरेज है। फिर आएंगे यहाँ से मिल्टन सुम्बा, एक मैच में 1 रन है, कोई खास रिकॉर्ड इनका है नहीं। और इस सीज़न इस वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे 16, 2, 11, 18, 8, 8 उतना अच्छा नहीं है। सीन विलियम्स आएंगे यहाँ पर, बढ़िया ऑलराउंडर हैं, 2 से 3 ओवर आपको डाल के देंगे, प्लस नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं। लास्ट के 6 मैचेस में इनके नाम 3 तो विकेट्स हैं और बल्ले से यहाँ पर 12, 1, 7, 1, 31 और 64 रन की पारी है, तो बढ़िया रिकॉर्ड है सीन विलियम्सन का। सिकंदर रजा की बात करूँ तो ये कमाल की फॉर्म में अभी चल रहे हैं, लास्ट के 6 मैच में 9 तो विकेट्स हैं और बल्ले से यहाँ पर 82, 14, 40, 9 और 0 हैं। हेड टू हेड में 4 मैच में 53 रन 6 विकेट है। फिर आएंगे यहाँ से रेगिस चकबाबा, हेड टू हेड में एक मैच में 27 रन 27 का एवरेज है और यहाँ पर अब तक का परफॉर्मेंस अगर आप देखो 0, 13, 4, 8, 0, 15 बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं है। रयान बर्ल ये एक हिटर है और पार्ट टाइम बॉलिंग भी करवा लेता है। लास्ट के 6 मैच में इसके नाम विकेट कोई नहीं है क्योंकि सिर्फ 4 ही ओवर डाले हैं। बल्ले से यहाँ पर 1, 17, 9 नॉट आउट, 9 बैटिंग, 10 नॉट आउट और 27 नॉट आउट है। हेड टू हेड में 3 मैच में 42 रन 14 का एवरेज, 2 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे ब्रेड इवांस, T20 में इसके नाम 6 मैच में 30 रन 5 विकेट है और यहाँ पर देख सकते हो पहले 4 मैच खेला नहीं, उसके बाद में 19 रन 2 विकेट और यहाँ पर 2 रन 0 विकेट है। रिचर्ड नगरावा आएंगे यहाँ पर, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है ये। लास्ट के 6 मैचेस में इसके नाम टोटल 6 विकेट्स हैं। देखो या तो ये 2 विकेट निकालता है या फिर ये विकेट ले जाता है, ऐसा ही इसका पैटर्न अब तक रहा है। ब्लेसिंग मुजरबानी आएंगे, सबसे बढ़िया बॉलर हैं इनके। लास्ट के 6 मैचेस में इनके नाम टोटल 9 विकेट हैं, करियर में 32 मैच में 39 विकेट है। टंडई चटारा के नाम लास्ट के 5 मैच जो इसने खेले हैं उसमें 4 विकेट्स हैं और हेड टू हेड में 2 मैच में 0 विकेट है। यहाँ से अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वेस्ली मदवीरे हैं, यहाँ से सीन विलियम, सिकंदर रजा हो गए, नीचे से यहाँ पर नगरावा और ब्लेसिंग मुजरबानी हो गए। बाकी बेंच में इनके जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई खेलता है तो उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे नगरावा, ब्लेसिंग मुजरबानी, टेंडई चटारा। डेथ के ओवर डालेंगे नगरावा और सिकंदर रजा। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि नीदरलैंड की टीम की। नीदरलैंड की टीम यहाँ पर लास्ट के 6 में से सिर्फ 2 मैच जीती हैं जो कि ग्रुप स्टेज में जीती थी, उसके बाद में एक भी मैच नहीं जीती हैं। लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज किए थे और स्टेफन मयाबर्ग और मैक्स ओ डाउड ने ओपन किया था इनकी तरफ से लास्ट मैच में। स्टेफन मयाबर्ग ने 6 ही रन किए थे, हेड टू हेड में 2 मैच में 22 रन 11 का एवरेज है। मैक्स ओ डाउड सबसे अच्छा बैटर है इनका, हेड टू हेड में 3 मैच में 98 रन है जबकि इस वर्ल्ड कप में 23, 35, 71, 8, 16, 8 है। पास डी लीडे की बात करूँ अभी इनका खेलना कंफर्म नहीं क्योंकि आपको पता होगा लास्ट जो मैच हुआ था इनका वहाँ पर इनको इंजरी हुई थी, तो देखते हैं। और ये रिटायर्ड हर्ट भी हुए थे, फिर इनका कंकशन सब्स्टिट्यूट भी आया था, तो लास्ट के 6 मैचेस में इसके नाम अगर खेलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल ना 9 तो विकेट है और बल्ले से भी 14, 30, 14, 16, 6 की पारी है। बहुत बढ़िया प्लेयर है अगर खेलता है तो,
टॉम कूपर का ये वर्ल्ड कप बहुत गंदा गया है, 8-6, 16-0, 9-1 है, हेड टू हेड में 2 मैच में 81 है, जीएल में ट्राई कर सकते हो। कोलिन एक्रमन ये हर मैच में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहा है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी करवा लेता है। पहले में देखो 17 है, 0 है, 0 है, 62 है, 17 है, 27 हैं और करियर में 20 मैच में 423 रन, 24 के एवरेज, 7 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे स्कॉट एडवर्ड्स टीम के कप्तान, 16-1, 21-16, 5-15 है, ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है, हेड टू हेड में 3 मैच में 19 रन है। और रिलोफ वंडर मरवे की बात करूं तो इसने यहाँ पर देखो बीच में 2 मैच नहीं खेले थे, उसके बाद में टोटल जो इसने खेले हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 4 मैच, उसमें इसके नाम सिर्फ 1 ही विकेट है, क्योंकि इसको ना बॉलिंग कम मिली है। आप देख लो 4 मैच में इसने टोटल 8 ही ओवर डाले, तो बॉलिंग कम है। हेड टू हेड में हालांकि रिकॉर्ड इसका भी तगड़ा है, अगर 2 मैच 87 रन 87 का एवरेज 5 विकेट, तो अगर बॉलिंग इसको आज मिलती है तो ट्रंप बन सकता है। टिम प्रिंगल की बात करूं, लास्ट के 6 मैचेस में इसके नाम टोटल अगर आप देखोगे 3 विकेट्स हैं और बल्ले से यहाँ पर 15-8, 2-1, 20-5 हैं, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट है। फ्रेड क्लासन लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, लास्ट के 6 मैच में 4 विकेट हैं, 5 विकेट हैं और हेड टू हेड में 3 मैच में 4 विकेट हैं। पॉल वेन विकरण सबसे अच्छी बॉलिंग कराई है इसने वर्ल्ड कप में और यहाँ पर लास्ट के 6 मैच में इसके नाम 7 विकेट है, बल्ले से 24-14-7 है, हेड टू हेड में 3 मैच में 4 विकेट है। यहाँ से ब्रेंडन ग्लोवर हैं, पहले मैच में 2 विकेट थे, हेड टू हेड में 2 मैच में 4 विकेट्स हैं। यहाँ से अभी के लिए देखो यहाँ से ना मैक्स ओडाउट बास डी लीडर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट है, कोलिन एक्रमन को आप चाहो तो ट्राई कर लेना, अदरवाइज नीचे से यहाँ पर पॉल वेन विकरण को मैं बिल्कुल रखूंगा। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है टिम प्रिंगल, फ्रेड क्लासन या ब्रेंडन ग्लोवर, तीनों में से किसी एक को रख लेना। बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से कोई खेलता है तो उसके स्टैट्स आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे फ्रेड क्लासन, पॉल वेन विकरण, डेथ के ओवर डाल रहे हैं बी ग्लोवर, पॉल वेन विकरण, लोगान वेन बिक और आर वेंडर मरवे। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चलते हैं डेमो टीम की तरफ। बात करूं यहां पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है स्कॉट एडवर्ड्स को, बैटिंग सेक्शन से मैक्स ओडाउड, मदी वीरे, क्रेग इरविन को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से बास डी लीडे, सीन विलियम्स और सिकंदर रजा को रखा है, और बॉलिंग सेक्शन से मैंने टिम प्रिंगल को एज अ एक्स मतलब मेन प्लेयर एक ट्रंप प्ले लिया है, बाकी मुजरबानी है, मिकरन है और नगरावा है। तो अभी के लिए टीम ये, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।